हाँ जी, तो कैसे हो? फिट हो? अगर मजीद फिट होना चाहते हो ना, तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एयर फ्राइड रैप्स और बर्गर्स। यही खिलाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपको ब्रांड विलेज सियालकोट में। यार मौसम चेक करो, कैसा ज़बरदस्त किस्म का हो गया हुआ है। अब जो है ना, व्लॉग बनाने का ही मज़ा आ रहा है। कितना प्यारा वो व्यू है। और वो यार वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर आओ तो मैं लेकर चलता हूँ और चेक कराता हूँ यहाँ के ज़बरदस्त किस्म के रैप्स और बर्गर्स। लोग बैठे मेरा व्लॉग देख रहे हो, साथ हमारे नेबर जो हैं वो चाँद पर पहुँच गए हैं, वो दोनों बाढ़ को, लेकिन हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं। वो देखें ऊपर, हमारा झंडा जो है वो ऑलरेडी चांद पर, और चांद ऑलरेडी उस पर बना हुआ है। फ्रेंड्स विलेज के यार सीन्स भाई जबरदस्त होने वाले हैं। वो देखो ऊपर सुपर स्पेस आ रहा है, मतलब जो आवाम जो है ना सिंधबा से थक गई आक गई है, वो उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस सुपर स्पेस आ रही है, जहाँ पर वो फुल माहौल और एडल्ट गेम्स होंगे। एडल्ट गेम्स से मुराद ये है कि जो बड़े बच्चे भी खेल सकते हैं। ज़्यादा तरक्की यार ब्रांड विलेज में हो चुकी है। यहाँ पर आइसक्रीम के स्टॉल्स आ चुके हैं, वो गोला गंडा का है, ये जो है ये बच्चों के खेलने की जगह है जहाँ पे वो जो उछलते हैं बच्चे, वो एक कोर्स फूड स्टॉल है, और इसके पीछे भी एक पानी पूरी का स्टॉल है। चलो यार जनाब मिंटोस, और यहाँ पर आपको ग्रिल्ड और एयर फ्राइड रैप्स और बर्गर्स और डिटॉक्स ड्रिंक्स मिलेंगी। तो चुपचाप आपने अगर डाइट पर हैं तो यहाँ पर पहुँच जाएँ। मैंने जो है एयर फ्राइड भी लगवाया है और ग्रिल्ड भी लगवाया है, दोनों का आपको डिफरेंस साथ रख के दिखाऊंगा, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आइडिया हो कि फ़र्क होता क्या है, टेस्ट में क्या फ़र्क है, और उसके ओवरऑल हर चीज़ में क्या फ़र्क आ रहा है। ये है जनाब एयर फ्रायर, और इसके अंदर उन्होंने बगैर किसी ऑयल के इसके अंदर उन्होंने ग्रिल्ड पीसेस डाल दिए हैं जो ग्रिल्ड होंगे अंदर, और बगैर किसी ऑयल के पक्के बाहर आएगा। आपको चेक कराते हैं कैसा आता है। फिर हमने ग्रिल्ड रैप्स लगवाए हैं, जो कि ये प्रॉपर नॉर्मल तरीके से जो ग्रिल्ड वाला सिस्टम होता है उस तरीके से ये बन रहे हैं। और ये टॉर्टिला ब्रेड है, और ये चिकन है हमारा। खाना जो है वो तो तैयार हो रहा है, लेकिन ये व्यू चेक करो, कितना ज़बरदस्त व्यू। और तुम लोगों को फील नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त किस्म की हवा जो है ना वो आ रही है। इस टिशू के डब्बे की आप देख लें कैसे ये उड़ रहा है टिशू, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा इधर चल रही है। और ये रूफ टॉप पे ये मिंटोज है, यहाँ बैठ के हमने खाना, क्या ज़बरदस्त माहौल बनेगा। हमारी ड्रिंक जो है बनना स्टार्ट हो गई हुई है, ये अंगूर हैं, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसके ना जाके ग्राइंड हो रहे हैं, और बगैर किसी चीनी के ये ड्रिंक बन रही हैं, यानी कोई मोटापा कोई टेंशन नहीं है मोटे होने की आपको। गुच्छे के गुच्छे जो है ना ये अंदर जाने लगे हैं ज़बरदस्त। यहाँ हमारी एक डिटॉक्स ड्रिंक बन रही है, जिसके अंदर एक मिंटोस का स्पेशल ड्रिंक है, और एक जो है इनकी रोजमेरी के नाम से एक ड्रिंक है। दोनों जो है ट्राई करते हैं कैसी है। हमारा एयर फ्राइड रैप है, और ये वाला ग्रिल्ड है, ये चेक करें, बेहतरीन किस्म का ये एयर फ्राइड हुआ है बगैर किसी ऑयल के। सबको मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ फूड ट्राई करो, और ओपन एयर में बैठ के शाम के वक्त खाओ, क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है, और क्या ज़बरदस्त फूड जो है वो सामने हमारे पड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो ये आ गए हमारे पास एयर फ्राइड रैप, एयर फ्राइड बर्गर, और ये हैं दोनों ग्रिल्ड। अब हम इनमें प्रॉपर कंपेरिज़न करेंगे कि एयर फ्राइड और जो ये ग्रिल्ड होता है इसमें क्या फ़र्क होता है। जी मैं ये ग्रिल्ड वाला जो रैप है ना ट्राई करने लगा हूँ, और आप इसकी फीलिंग चेक करें, कितनी के ब्यूटीफुल और प्यारी सी है। ये चिकन है अंदर, फ्राइज़ हैं और सॉस है, तो आइए इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। जनाब ग्रिल्ड रैप मैंने ट्राई किया, और वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट है, ज़रा स्पाइसी सा है, और चिकन प्रॉपरली टेंडर हुआ हुआ है, और फ्राइज़ भी बहुत मज़े के हैं। ऐसा मज़े की बात यह है कि फ्राइज़ जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं ना, वो इन्होंने एयर फ्राइड इस्तेमाल किए हैं। ये जनाब अब मैं खाने लगा हूँ एयर फ्राइड रैप, इसका आप डिफरेंस चेक करते हैं उससे और इसका क्या फ़र्क है। यार सॉस ज़्यादा मज़े की है, ये ना लेस स्पाइसी है, और जो चिकन है वो प्रॉपरली कुक्ड है, और नहायत ही मज़े का टेस्ट ही कर रहा है। ऑयल का इसमें नामो निशान नहीं है, और फिर भी इतना मज़ेदार रैप है, ये सीरियसली मेरा दिल ले गया। ये मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिक गार्लिक जो सॉस है ना उसमें बना हुआ है, नहायत ही मज़े का। अच्छा जनाब अब मैं दोनों में आपको फ़र्क बता दूं, इन दोनों में फ़र्क जो है ना सिर्फ सॉसेस का है, मुझे कोई फ़र्क फील नहीं हो रहा कि ग्रिल्ड कौन सा है एयर फ्राइड कौन सा है, दोनों का नहायत ही मज़ा आ रहा है, और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये मिंटोस के रैप्स।
यार मैं इनकी दोनों ट्राई कर चुका हूँ। ये इनकी मिंटो स्पेशल है और इसके अंदर ग्रेप्स का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, यानी ग्रेप्स जो है ना वो ऑलरेडी मीठे होते हैं तो इसमें वैसे शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो दूसरा वाला है ये भी ट्राई किया है, ये इसमें चूँकि शुगर इन्होंने नहीं डाली हुई तो इसका टेस्ट जो है ज़रा नॉर्मल सा है, लेकिन क्योंकि ये है फ्रूट्स का ही तो ये आपकी हेल्थ के लिए बेहद अच्छा है। और इसकी मज़े की बात है इसके अंदर चिकंदर भी हैं जो कि आपका एक ब्लड बिल्डर होता है। तो ये दोनों हमारे जनाब बर्गर्स हैं, ये वाला है एयर फ्राइड और ये है ग्रिल्ड। ये बारबेक्यू सॉस में बना हुआ है और स्पॉटलेस सॉस में बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि जो सा बंदा वेट कॉन्शियस है वो बंदा एयर फ्राइड यूज़ कर ले और जो सा बंदा बस कहता है खाओ कोई टेंशन ही नहीं है वो ग्रिल्ड खाए हुए कोई टेंशन नहीं। ग्रिल्ड में भी इतना ऑयल नहीं यूज़ करते, ओके सही से। यार बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल्ड बर्गर है, जो सॉसेज हैं वो भी बड़ी बेहतरीन बनी हुई है और जो चिकन है प्रॉपर टेंडर और फुल जूसी चीज़ है, ग्रिल्ड वाला बर्गर है, ग्रिल्ड है ये। जी जनाब, तो आप सियालकोट में एयर फ्राइड रैप्स और बर्गर्स लेकर क्यों आए हैं, वजह क्या है? वजह ये कि जो लोग आयल से भागते हैं, जो जब लोगों का दिल करता है कि वो फास्ट फूड ट्राई करें लेकिन जब वो देखते हैं इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं तो फिर वो लोग फास्ट फूड ट्राई नहीं करते। इसलिए हम लोग सियालकोट में पहली दफ़ा ये एयर फ्राइड का कॉन्सेप्ट लेके हैं ये आपके सामने, जो कि हर एक जिम करने वाला बंदा जो हेल्थ कॉन्शियस बंदा है वो इस चीज़ को ट्राई करे और फास्ट फूड इन्जॉय करे। मुझे बेहद मज़ा आया, स्पेशली जो रैप्स है ना वो तो मस्ट ट्राई आया था मैंने। और अब हम जा रहे हैं वापस और खाना शाना खा लिया है, बड़ा मज़ा आया। लिफ्ट जो है ये हिल क्यों रही है? ये भी डर लग रहा है, हिल रही है यार। कोई नहीं, हिल रही है तुझे लग रही है, तू डर रहा है अंदर। मेरा हेलमेट यार ऊपर आ गया, हम वापस तीसरे फ्लोर पे जा रहे हैं हेलमेट लेने, हेलमेट लेके वापस नीचे आएंगे। अब हेलमेट जो है ना वो लेना है पहले, हेलमेट मेरा पड़ा रह गया उधर। थैंक यू यार। यार हेलमेट ले लिया और अब वापस चलो यार, जल्दी आओ ऊपर। हाँ चलो चलो, यस ग्राउंड। ये हिल रही है, ये हिल रही है। इधर ही वीडियो को खत्म करते हैं, अब घर जाना। और क्या क्या दिखाऊं मैं, मुझे बताओ। मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए वीडियो बनाऊं क्या? घर चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यार मैंने एयर फ्राइड चीज़ें खाई हैं, अब तो यार मैं जिम की छुट्टी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता?